तो बच्चों, क्रॉप प्रोटेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है? बच्चों, नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग। ठीक है, सो हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं बच्चों? तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारे क्रॉप्स अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं ना, उनमें जब मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर मैच्योरिटी हम क्या करते हैं, उन क्रॉप्स को कट करते हैं एंड उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे हार्वेस्टिंग को? तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन। ठीक है, क्रॉप्स के मैच्योरेशन के बाद हम क्रॉप्स को कट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, सो बेटा देखिए, हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत फार्मर्स के लिए, ये जो टाइम है हार्वेस्टिंग टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए खुशी का समय होता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत 4-5 महीने तक अपनी पूरी मेहनत करते हैं, उन फसलों को वो पूरी अच्छे तरीके से मैच्योर होते हुए देखते हैं, हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उन फील्ड है, उस फील्ड में गोल्डन क्रॉप्स से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे एक फार्मर के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है, हैप्पीएस्ट टाइम जो होता है, वो हार्वेस्टिंग का ही टाइम होता है। ठीक है, जब उन्हें उनके लगाए हुए क्रॉप्स से प्रोडक्ट मिलता है, ओके, यही वो टाइम होता है। और इस टाइम को फार्मर्स सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बेसिकली कुछ फार्मर्स जो हैं वो सॉन्ग्स को गाकर, ठीक है, गाना गा के इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कुछ डांस करके इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कई सारे फेस्टिवल हमारे इंडिया में हैं जो हार्वेस्टिंग टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लाइक कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो इस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, और मेरा ये तरीका होता है अपनी खुशी जाहिर करने का। ठीक है, जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं, हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, असम के अंदर बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु के अंदर पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे हार्वेस्टिंग सीजन्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेलिब्रेशन का कनेक्शन जो है वो हमारे फार्मर्स से है। फार्मर्स की जो खुशी होती है, उनकी जो फसलें, उनको प्रोडक्ट्स, मतलब उनकी फसलें तैयार हो जाती है और अब उनसे प्रोडक्ट उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो उनकी मेहनत का जो फल होता है वो उनको उस टाइम पे मिलता है और फिर उसी की खुशी जाहिर करते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे सेलिब्रेशंस जो हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं, वो हमारे इसी टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं और इसी की खुशी में सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना बच्चों? तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्लियर, जब हम अपने रिजल्ट को देखते हैं। ओके, अब देखिए, ये जो हार्वेस्टिंग है बेटा, हार्वेस्टिंग के दो मैथड्स हैं। ठीक है, सो द मैथड ऑफ हार्वेस्टिंग, मैथड कितने हैं हार्वेस्टिंग के? दो मैथड हैं। पहला मैथड जो है हमारा वो है मैनुअल मैथड। ठीक है, मैनुअल मैथड जो मैन के थ्रू किया जाए। ठीक है, क्लियर। और सेकेंड मैथड है हमारा मैकेनिकल मैथड। तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मैनुअल मैथड मैंस के थ्रू किया जाएगा और मैकेनिकल मैथड मशीन्स के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, तो मैनुअल मैथड के अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं बेटा? वेयर अ सिकल इज यूज। ठीक है, मैनुअल मैथड में सिकल का यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को कट करने के लिए। ठीक है, सिकल किस शेप का होता है बेटा? इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के हम, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? क्रॉप्स को कट करते हैं। ठीक है, तो एक ये मैनुअल मेथड जहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, जहाँ पे भी मैनुअल मेथड होगा, वहाँ पे जो मैंस होंगे वो किसका यूज़ करेंगे? सिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड मैथड है हमारा मैकेनिकल मैथड, इस मैथड के अंदर हम बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं।
ठीक है, मशीन्स का यूज़ करते हैं और उन बड़ी बड़ी यूज मशीन्स को हम क्या कहते हैं, हम उसे हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टर की हेल्प से जब हार्वेस्टिंग की जाए, मतलब जब कटाई की जाए, कटिंग की जाए, तो वो मेथड हमारा मैकेनिकल मेथड कहलाता है। और जब सिकल के थ्रू हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, तो वो हमारा मैनुअल मेथड होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, यस। सो देखिए बेटा, अब हमने हार्वेस्टिंग तो कर ली है, मतलब क्रॉप्स को कट तो कर लिया है, उसके बाद हमारा क्या हो स्टेप होना चाहिए? तो बेटा देखिए, हार्वेस्टिंग हमने जब क्रॉप्स को कट किया, तो जब हम क्रॉप्स को कट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन कटेड क्रॉप्स के हम बंडल्स रेडी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े क्रॉप्स को लेकर एक बंडल्स रेडी कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बंडल्स रेडी कर लेते हैं, थोड़े थोड़े क्रॉप्स को लेकर हम उनके बंडल्स बना लेते हैं बच्चों, है ना। अब क्या है, अभी जो हमारे जो अनाज है, जो सीड है ना, वो अभी हमारे पास नहीं आया, क्योंकि अभी तो सिर्फ क्रॉप को काटा है आपने, है ना। तो उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है थ्रशिंग। ठीक है, आपने हार्वेस्ट कर लिया, क्रॉप को निकाल दिया, निकाल कर हमने उन्हें बंडल्स, उनके बंडल्स बना लिए थोड़े थोड़े से। ठीक है, अब बंडल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रशिंग करते हैं। थ्रशिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, उन ग्रेन्स को उनके शिफ से रिमूव करना। ठीक है, सो After the crop is harvested, the grains are separated from the sheaf by the process called a threshing. तो threshing का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे पास जो अनाज है वो अभी नहीं आया है। ठीक है, जो अनाज है, जो grain है, वो अभी भी क्या है, आपके sheaf के अंदर है। ठीक है, तो उसे हमें पहले निकालना है, तो उसको निकालना ही, उसके शिफ से ग्रेन को सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, थ्रशिंग कहलाता है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, हम थ्रशिंग करेंगे। अब थ्रशिंग के भी दो मेथड होते हैं बेटा। ठीक है, अब आप थ्रशिंग जो है वो भी मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब जो मैन है वो खुद अपने लेबर के थ्रू कर सकता है, अपनी मेहनत के थ्रू वो सेपरेट कर सकता है ग्रेन को उनके शिफ से। ठीक है, अब मैनुअली में क्या किया जाता है बेटा, जैसे हमने जो बंडल्स रेडी किए हैं ना, उन बंडल्स को हम क्या करते हैं, एक हम हार्ड सरफेस लेते हैं। ठीक है, उस हार्ड सरफेस के ऊपर उस पूरे बंडल को उठा के आप क्या करते हैं, उस हार्ड सरफेस पे इस तरीके से बीट करते हैं। ठीक है, तो जब आप बीट करोगे ना हार्ड सरफेस पे, तो जो ग्रेन्स होते हैं शिफ से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, और ह्यूमन बींग ये खुद कर रहा है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कितने क्रॉप्स को वो पहले के टाइम पे मैनुअली ही किया जाता था। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए, मशीन्स बनी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, तो मशीन्स रेडी हो गए और अब मशीन्स के थ्रू ये जो है हमारा थ्रशिंग है वो किया जाता है। ठीक है, तो जिन मशीन्स का यूज़ किया जाता है थ्रशिंग के लिए, उनको हम थ्रशर्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे मशीन्स को क्या कहा जाता है, थ्रशर्स बोला जाता है। तो आप जो थ्रशिंग है वो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली में क्या करेंगे, बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। ठीक है, हार्ड सरफेस के ऊपर आप उस पूरे बंडल्स को बीट करवाएंगे। ठीक है, बार 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 बीट करेंगे, तो वहाँ पे हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो उनके शिप से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मशीन्स के थ्रू भी किया जाएगा और उन मशीन्स को क्या कहते हैं, जिन मशीन से थ्रशिंग की जाती है, थ्रशर्स बोला जाता है उनको। ठीक है, अब अगर लार्ज फार्म की बात करें ना, बड़े बड़े फार्म्स में हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, और जिस मशीन का यूज़ करते हैं बच्चों, उन मशीन्स को हम कहते हैं, उन मशीन को कहा जाता है कॉम्बाइन। ठीक है, तो लार्ज फार्म के अंदर हम कॉम्बाइन का यूज़ करते हैं बेटा। अभी जो कॉम्बाइन है ना, ये जो मशीन है, ये इसके दो काम होते हैं ना, ये एक साथ ड्यूल जॉब कर सकता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा कॉम्बाइन है वो एक ही साथ दोनों काम कर सकता है, वो कटाई भी कर सकता है, मतलब क्रॉप्स को कट भी कर सकता है, मतलब हार्वेस्ट भी कर सकता है, और फिर वो अब के क्रॉप्स को, जो ग्रेन्स हैं उनको उनके शिप से सेपरेट भी कर सकता है। ठीक है, तो कंबाइन मशीन्स परफॉर्म अ ड्यूल जॉब एज अ हार्वेस्टर एंड थ्रशर। ठीक है, ये हार्वेस्टर के जैसे भी वर्क करेगा और एक थ्रशर के जैसे भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये मशीन जो है वो दोनों काम करते हैं।
ठीक है। और इसका यूज मेनली यूज कहाँ करते हैं हम, लार्ज फार्म्स में इसका यूज करते हैं इस मशीन का। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा विनोइंग। क्या होगा? विनोइंग। अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद हमने थ्रशिंग भी कर ली, ठीक है, मतलब हमने जो ग्रेन्स है उन ग्रेन्स को उनके शिप से सेपरेट भी कर दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है? अब सो विनोइंग हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द हस्क, ठीक है, हस्क से ग्रेन को सेपरेट करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। ओके, अब इसके भी दो मेथड बेटा। अब हम जो विनोइंग है ना वो विंड की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड आपने अपने घर में भी देखा होगा, ठीक है। विनोइंग भी दो तरीके से की जाती है बच्चों। एक मैनुअली, मतलब ह्यूमन के थ्रू किया जाएगा, ह्यूमन लेबर के थ्रू होगा, ठीक है। सेकेंड जो है मशीन्स अपना काम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं। तो बेटा मैनुअली जो किया जाता है विनोइंग, वो विंड की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा गेहूं वगैरह को साफ करने के लिए ना आपकी मम्मी एक फैन चला देती होंगी, ठीक है, और एक बर्तन में गेहूं लेती हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हस्क होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। अब उस डस्ट पार्टिकल्स को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, ठीक है, जो हस्क है उसको सेपरेट करना है ग्रेन से, तभी तो आपको एक अच्छा ग्रेन मिलेगा जिसमें कोई भी कचरा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए फैन चला देती हैं मम्मी, और उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से वेसल्स को हिलाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, अब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हस्क होते हैं, वो लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं ना वेट में, ग्रेन के कंपेयर में तो वो हल्के होते हैं, ग्रेन जो है वो भारी होता है। तो बेटा हल्की चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हवा चलेगी वो जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाएंगे, बाकी के जो ग्रेन्स होंगे वो आपके इकट्ठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हैवी पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से विंड की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन्स को हस्क से, ठीक है। दूसरा, हम मशीन्स का यूज भी कर सकते हैं। तो जिन मशीन का यूज हम विनोइंग के अंदर करते हैं उनको हम विनोइंग मशीन्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पूरा स्टेप था हार्वेस्टिंग का स्टेप, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। हार्वेस्टिंग वाले हमारे स्टेप के अंदर और भी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग ही नहीं देखा कि केवल बस क्रॉप्स को कटिंग कर देना, बेटा वो केवल हार्वेस्टिंग कहलाता है। बट उसके बाद हमने थ्रशिंग भी देखा, ठीक है। थ्रशिंग में क्या करते हैं हम, जो बंडल्स होते हैं उनके शिफ्ट में से हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं बच्चों, तो विनोइंग में जो हस्क होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन डस्ट से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें देखी, हार्वेस्टिंग, थ्रशिंग, विनोइंग, क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे आफ्टर हार्वेस्टिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ग्रेन हमें मिला है, ठीक है, विनोइंग के बाद जो हमें ग्रेन मिला, उस ग्रेन को हमें स्टोर करके रखना है। अब ये स्टेप को अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया गया तो भी हमारा नुकसान है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोर नहीं किया और उन ग्रेन्स में कीड़े लग गए, उन ग्रेन्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगस लग गए, माइक्रोब्स लग गए, तो बेटा आपकी पूरी मेहनत, स्टार्टिंग से लेकर जो भी मेहनत थी ना, वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको स्टोर करके रखना है। अब देखिए, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज नेसेसरी टू गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, क्योंकि हमें अब उस अनाज को पूरे साल हमें यूज करना है, ठीक है, पूरे साल हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो साल भर के लिए उस अनाज में कोई कीड़े नहीं लगने चाहिए, ठीक है, कोई उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर आप क्या खाओगे, ठीक है। तो उसको सही तरीके से प्रॉपर उसका स्टोरेज करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो उसके बाद देखिए, तो बेटा जो भी हार्वेस्टिंग करते हैं अपन, हार्वेस्ट करने के बाद जो हमारे पास जो क्रॉप ग्रेन्स मिलते हैं ना, उन क्रॉप ग्रेन्स में ना मॉइस्चरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ही हम फ्रेशली हम कट करके जो ग्रेन्स हमें मिलते हैं, उन ग्रेन्स में ना मॉइस्चर बहुत होता है, तो उन मॉइस्चर्स को पहले क्या करना होता है ना, हटाना होता है,
ठीक है। मॉइस्चरिटी को कैसे दूर किया जाए, तो हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, धूप में पहले उसको सुखाते हैं, ठीक है। जो सन की हीट होती है उससे हम उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, ताकि जो भी हमारी ग्रेन्स में जो मॉइस्चरिटी है वो सब इवेपोरेट हो जाए, क्लियर। और अच्छे से जब हमारा ग्रेन सूख जाता है उसमें कोई मॉइस्चरिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर मॉइस्चरिटी रहेगी तो फंगस लगने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, ग्रेन्स में। तो हमें मॉइस्चरिटी को अच्छे से रिमूव करना होता है, ठीक है। आराम से एक दो दिन हम धूप दिखाते हैं, ठीक है। धूप दिखाने का मतलब ये है कि उसको अच्छे से हम उससे ग्रेन से जितने भी मॉइस्चर्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है फिर हम उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब स्टोर करने के भी तरीके हैं बच्चों, देखिए। अगर आप उसको इसको स्मॉल स्केल पे स्टोर करना है ग्रेन्स को, तो आप क्या यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे उस टाइम पे आप जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो जूट के बने हुए बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वो अनाज सारे मॉइस्चरिटी रिमूव हो गए, हट गए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे उसको, हम उसके बाद आप क्या करोगे उसको जूट बैग के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अगर ये स्मॉल स्केल के अंदर, स्मॉल स्केल में अगर आपको स्टोर करना है तब आप जूट बैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको कमर्शियल स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पे अगर हमें फूड को स्टोर करके रखना है तो हम यूज़ करते हैं गिनी बैग्स का, ठीक है। गिनी बैग्स का यूज़ किया जाता है, ओके, ठीक है। ग्रैनरीज के अंदर, ग्रैनरीज किसे कहते हैं बेटा, ग्रैनरीज वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पे हम बहुत सारे, जैसे हर एक गिनी बैग के अंदर आपने क्या कर रखा है, ग्रेन्स को स्टोर कर रखे हैं, और फिर आपने उन सभी गिनी बैग्स को एक पाथ पे इस तरीके से अरेंज करके आपने उन गिनी बैग्स को क्या कर दिया है, एक जगह पे रख दिया, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो सो ग्रैनरीज किसे कहेंगे बेटा, तो ग्रैनरीज वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पर आपने सारे गिनी बैग्स के अंदर जो भी आपने फूड को स्टोर करके रख रखा उसको अच्छे से अरेंज करके रख रखा है, तो उस जगह को हम ग्रैनरीज कहेंगे, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स को कमर्शियली जो हम लार्ज स्केल पे जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम गिनी बैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्रैनरी क्या होता है बेटा, वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर हमने बहुत सारे गिनी बैग्स को अरेंज करके रख रखा है, ठीक है, उस प्लेस को कहते हैं ग्रैनरीज, ठीक है, क्लियर। दूसरा एक और तरीका होता है सेलोस, ठीक है। तो बिग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी हमारा कमर्शियल स्केल पे अगर हमें ग्रेन्स को स्टोर करना है तो सेलोस का भी यूज कर सकते हैं। और सेलोस में क्या होता है बेटा, डिफरेंट हम जो स्टॉक्स होते हैं ना फूड आइटम्स के, उनको हम अलग अलग लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा सा होता है, लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का कंटेनर होता है, ठीक है। सो सेलोस समझ में आया, सेलोस क्या होता है, बड़ा सा बिग कंटेनर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, उसमें हम डिफरेंट फूड आइटम्स को उसकी स्टॉक्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे, ओके। उसके बाद देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आपके घर में भी गेहूं की जब बोरियां मंगवाई जाती है, उसके बाद जब मम्मी उसको स्टोर करती हैं तो स्टोर करने के लिए क्या करती हैं, सबसे पहले जो गेहूं आया है उसको पहले तो साफ करती हैं, धोएंगी, ठीक है, उसके बाद सुखाएंगी, देन उसको साफ करेंगी, ठीक है, उसके बाद फिर उसको सुखाने के बाद उसको स्टोर करती है। तो एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक वेसल आता है, उसके अंदर उसको स्टोर करती हैं। तो स्टोर जब करती हैं ना, तो उसमें इंसेक्ट्स ना लगे, माइक्रोब्स ना लगे, तो उसके अंदर ड्राई नीम की जो लीव्स होती है ना, ठीक है, ड्राई नीम की जो लीव्स होती हैं, नीम की पत्तियाँ, जो सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं उसको पहले बिछा देती हैं, उसके बाद ग्रेन्स को डालती हैं, क्योंकि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं ना वो इंसेक्ट्स वगैरह, मतलब फंगल इन्फेक्शन ना लगे उन ग्रेन्स में, इसलिए हम ड्राई नीम के लीव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। फूड ग्रेन्स जो भी है उनकी अवेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, मतलब कि कंट्री के हर एक, अपनी पूरी इंडिया में हर एक जगह पे, कहीं पे भी, हर एक स्टेट पे फूड ग्रेन्स की कमी ना हो, ठीक है, उसके लिए भी एक हमारे गवर्नमेंट ने एक बना रखा है, रिजर्व फूड स्टॉक बना रखा है, ठीक है, रिजर्व फूड स्टॉक, जो हर एक स्टेट, हमारे इंडिया के हर एक प्लेस में फूड ग्रेन की सप्लाई, ठीक है, और वहाँ की जो एबिलिटी है उसको इंश्योर ध्यान रखता है कि कहीं पे किसी जगह पे
जो ग्रेन्स है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक रिजर्व स्टॉक बनाया है, फूड ग्रेन स्टॉक बनाया है, जिस स्टॉक को क्या कहते हैं, द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड द बफर स्टॉक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बफर स्टॉक कहा जाता है। ये क्लियर, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने जितनी पढ़ी उसमें से हमारा लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या था, स्टोरेज। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, जिस तरीके से हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फूड है उसकी यील्डिंग होना, मतलब जो ग्रेन्स हैं उनकी यील्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो भी ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना चाहिए, वरना हम और आप कैसे हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का और हर एक पर्सन को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, अगर हम यील्डिंग को नहीं बढ़ाएंगे, जो क्रॉप्स है उनकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो कैसे सभी पर्सन्स को जो ग्रेन्स है वो मिल पाएगा, उनको फुल, जो बढ़ रही हैं पॉपुलेशंस उनकी फुलफिलमेंट भी तो करनी है, ठीक है, उन सबको फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने होंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉप ग्रो करने होंगे जिनकी यील्डिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है, हाई यील्ड्स वाले क्रॉप्स ग्रो करने होंगे हमें, ठीक है, ताकि अनाज अच्छा खासा हो और सभी का पेट भर सके, ठीक है, पॉपुलेशंस में जितने पीपल्स हैं उन सभी को अनाज मिल सके। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, कि जो प्लांट ब्रीडिंग है ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू हम जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं और जो डिज़ायर ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनकी वैरायटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, सो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू वैरायटीज़ को, डिज़ायर वैरायटीज़ के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटीज़, दो अलग अलग वैरायटीज के क्रॉप्स को हमें यूज करके हम एक तीसरा नया वैरायटी रेडी करेंगे, ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के बीच में हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के हम एक न्यू वैरायटी के क्रॉप को डेवलप करेंगे। ये जो टेक्निक है इसी टेक्निक को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब जो नया, जो न्यू वैरायटी का जो प्लांट या न्यू वैरायटी के जो एनिमल्स बनेंगे ना, उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड्स। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक स्टेप, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको कैसे करवाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर एक हमारा इमैस्कुलेशन टर्म क्या है, इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं। अब देखिए जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं ना, तो हम एक लेंगे, हम सेलेक्ट करते हैं, एक हम मेल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और एक फीमेल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा इमैस्कुलेशन है ना, इसको समझिए, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल प्लांट होता है ना, फीमेल प्लांट के फ्लावर से ना हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर क्या होता है? एंथर एक मेल पार्ट है, फ्लावर का एक मेल पार्ट, ठीक है। तो हम फीमेल प्लांट से एंथर को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, कौन से स्टेज पे? बड स्टेज पे। जब हमारा फीमेल प्लांट जो है ना, उनके फ्लावर जब बड स्टेज पे ही होते हैं ना, तभी हम उसमें से एंथर रिमूव कर देते हैं। अब एंथर रिमूव कर दिया हमने, उसके बाद क्या हुआ? एंथर रिमूव करने से क्या फायदा हुआ? एंथर रिमूव करने से ये फायदा हुआ कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन से बचा लिया। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब पता है ना, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, सेवेंथ क्लास में पढ़ा है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एंथर रिमूव करने से हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब क्या किया हमने? दूसरा मेल प्लांट लिया। मेल प्लांट के एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन, ठीक है। एंथर के ऊपर पोलन सेक बना होता है, पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, येलो कलर का पाउडर। अब वो पोलन ग्रेन हम मेल पार्ट से, मेल प्लांट से हम पोलन ग्रेन को लेंगे और फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे,
ठीक है, वापस से समझिए इसको। ईमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? एक फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट के एंथर को रिमूव करना ही हमारा कहलाता है ईमैस्कुलेशन। और ये रिमूवल कब होता है? बड स्टेज पे। अब देखिए, एक हमारा फीमेल प्लांट है जिसके पास एंथर नहीं है, ठीक है, तो एंथर नहीं है इसका मतलब पोलन ग्रेन्स भी नहीं होंगे, और पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो उनके पोलन ग्रेन उन्हीं के स्टिग्मा पे जाकर डस्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन से बच गए हम। अब हमने क्या करनी है कि नया मेल प्लांट लेना है और उस मेल प्लांट के पोलन ग्रेन को डस्ट कर देना है इसके स्टिग्मा पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, तब हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग रेडी होकर आएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज। अब इस तरीके से क्या है ना, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और नए वेराइटीज को प्रोड्यूस किया जाता है, अपनी मनचाही वेराइटीज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस जिस तरीके का हमें कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर हमें इससे मिल जाएगा। जैसे कि साइंटिस्ट, अगर मुझे एक ऐसा प्लांट मुझे चाहिए जिसके अंदर हाई यील्डिंग भी हो, मतलब अनाज जो है बहुत अच्छा उगे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है, तो हम एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिसकी हाई यील्डिंग हो, और दूसरा ऐसा प्लांट सेलेक्ट करेंगे जो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है, क्लियर, मतलब उसके अंदर वो कैरेक्टर हो जिस कैरेक्टर के थ्रू मतलब वो डिजीज को रेजिस्ट कर सकता है, वो कैरेक्टर उसके अंदर हो। हमने क्या करनी है, एक ही प्लांट में ये दोनों कैरेक्टर चाहिए कि ये डिजीज रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, इसमें हाई यील्डिंग भी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक हमने प्लांट लिया हाई यील्डिंग वाला, दूसरा हमने लिया डिजीज रेजिस्टेंस वाला, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करने के बाद जो नया वैरायटी बना, उस नए वैरायटी के अंदर ये दोनों कैरेक्टर शो होंगे, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और इसी से रेडी होता है हाइब्रिड्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है। आज की क्लास में जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके।